शेखर माता पिता की अकेली संतान था। शादी ढूंढते ढूंढते उसकी उम्र 28 साल हो गई थी। दिखने में गोरा चिट्टा, लंबा ऊंचा कद, भरा भरा शरीर, उसे तो लड़कियां एक नजर में ही पसंद कर लेती थी। पर उसकी माँ की दहेज लेने की जिद की वजह से उसकी शादी में देर हो रही थी। एक दिन उसकी माँ, शेखर तेरी उम्र के लड़कों के कब से घर बस गए, तुझे कोई लड़की पसंद हो तो हमसे मिला दे, हमें कोई एतराज नहीं है। माँ, मेरी जान पहचान में ऐसी कोई लड़की नहीं है जो दहेज दे सके, ना मुझे कोई लड़की पसंद है, तुम लोग खुद ही पसंद कर लो। ठीक है, हम लोग इस इतवार को लड़की देखने चलेंगे। तेरी बुआ ने जो रिश्ता बताया था मुझे और पापा को वो ठीक लग रहा है, तुम इतवार का कोई प्रोग्राम मत बना लेना। ठीक है माँ। इतवार को सब लोग बुआ जी के साथ लड़की देखने गए। लड़की वालों ने बड़ी आवभगत की। लड़की का नाम रूही था। रूही, शेखर को छत पर ले जाओ, एक दूसरे से जो भी बात करनी है तुम लोगों को कर लो। दोनों के छत पर जाने के बाद दान दहेज की बात शुरू हो गई। शेखर की माँ, देखिए मेरा बेटा तो लाखों में एक है, उसके लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है, एक बार लड़की पसंद आ जाए तब दहेज की बातें भी हो जाएंगी। कैसी बातें कर रही हो, शेखर सुन लेगा तो शादी ही नहीं करेगा, दहेज की क्या जरूरत है, क्या कमी है हमें, हमारा बेटा अच्छे स्कूल में नौकरी करता है, हम दोनों को पेंशन मिलती है। तुम चुप रहो जी, हमारा इकलौता बेटा है, हम दहेज नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा। ऐसी बातें मत करो सुधा, बच्चे अभी आते ही होंगे। तब तक शेखर और रूही दोनों आ चुके थे। मुझे लड़की पसंद है, अब बताइए आप लोगों की क्या डिमांड है। डिमांड कैसी, हमें बस लड़की चाहिए और वो भी दो कपड़ों में। बेटा अगर हम सिर्फ दो कपड़ों में लड़की ले जाएंगे तो हमारी बहुत बदनामी होगी, अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदार में सब यही कहेंगे कि जरूर लड़के में कोई खोट था जिसकी वजह से लड़की वाले ने कुछ भी नहीं दिया। माँ मुझे दहेज नहीं लेना है, अगर आपको दहेज लेना है तो मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे तो दहेज लेना ही है, मैं बिना दहेज की शादी नहीं कर सकती, अपनी बदनामी थोड़ी करवानी है। इसके बाद सब गाड़ी में बैठकर घर चले आए। सुधा ने आते ही ऐलान कर दिया, अगर किसी को मेरी बात से एतराज है तो मैं ही घर छोड़कर चली जाऊंगी, जिसकी जो मर्जी है वही करो। उनकी जिद के आगे किसी की ना चली। अंत में शेखर को भी शादी के लिए राजी होना पड़ा, दहेज लेने के लिए राजी होना पड़ा। लड़की वाले भी कम ना थे, जब हमें दहेज ही देना है अपनी जूही की शादी क्यों ना इस लड़के से करा दे, इसका रंग ही तो काला है, रूबी का क्या है, अच्छी नौकरी है, उसकी शादी बिना दहेज के भी हो जाएगी। घर में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। शादी के दिन शेखर की शादी काली बेटी जूही के साथ करवा दी गई। जूही ससुराल में अपने बिस्तर पर बैठी धड़कते दिल के साथ शेखर का इंतजार कर रही थी। शेखर ने आते ही उसका घूंघट उठाया, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मेरे साथ ही तो फेरे लिए हैं। पर मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मुझे तो किसी और से मिलवाया गया था, तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम जूही है, आप मेरी बड़ी बहन रूही से मिले थे, हम लोगों ने निश्चय किया कि जब हमें दहेज ही देना पड़ेगा तो रूही के लिए इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए, उसको तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, उसकी अच्छी खासी नौकरी है, मेरा रंग काला है इसलिए मेरी शादी आपके साथ करवा दी गई, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चुप रहो, तब से बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हो, अभी अपना सामान उठाओ और चलो यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ, आप लोगों ने मेरे माता पिता से दहेज में गाड़ी, सारे फर्नीचर और जेवर सब कुछ ले लिया है, माँ ने हमारे घर बेचकर सब कुछ दिया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अगर मुझे किसी ने घर से निकाला तो उल्टा दहेज उत्पीड़न के जुर्म से मैं आप सबको जेल की चक्की में पिसवा दूंगी। ठीक है, तुम नहीं जाओगी तो मैं ही चला जाता हूँ। इतना कहकर शेखर उठकर बाहर चला गया। उसने देखा कि उसकी माँ दहेज में आया सारा सामान देख देख कर खुश हो रही थी। दहेज का सामान लेकर अपने बहू के साथ ऐश करो, मैं जा रहा हूँ। तभी जूही अपना घूंघट खोलकर बाहर आ गई। मुझे छोड़कर मत जाओ,
मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, हमने साथ फेरे लिए हैं, कोई रोको उसको। उसकी माँ उसका काला रंग देखकर भौंचक्की हो रही थी। देखा भाभी, तुम्हारे दहेज की जिद के कारण लगता है लड़की बदल गई है। उन लोगों ने अपनी छोटी बेटी का ब्याह हमारे शेखर से करवा दिया है। ये तो धोखा हुआ है हमारे साथ, दिखाया किसी और लड़की को और ब्याह इस काली लड़की से करा दिया। ए लड़की, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। तब तक शेखर वापस आ गया था। माँ, वो कहीं नहीं जाएगी, आपकी इच्छा पूरी हो गई ना, मैं ही घर छोड़कर चला जाता हूँ, आप आराम से बहू के साथ रहिए। ये क्या कह रहा है तू, मैं क्या करूँगी इस काली कलूटी का, कहाँ मुँह दिखाऊंगी इसके साथ। जब मैंने मना किया था दहेज लेने के लिए तब तो तुम मानी नहीं, अब भुगतो, मैं जा रहा हूँ। शेखर जैसे ही जाने के लिए अपना सामान लेकर नीचे आया, जूही पीछे पीछे उसके साथ बाहर जाने लगी। मैं आपके साथ ही चलूंगी, आप जैसे रखेंगे वैसे ही रहूंगी। कहते कहते उसके आंसू आ गए थे। शेखर को पता नहीं क्या हुआ, वो सामान लेकर वापस अपने कमरे में चला आया। जूही भी उसके पीछे आ गई। तब तक उसकी माँ भी ऊपर आ गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने, सारे रिश्तेदारों के सामने नाक कट जाएगी। माँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरा घर है, आगे तुम्हें जो करना है करो। जूही कमरे के बाहर खड़ी थी। शेखर ने दरवाजा बंद कर दिया। माँ दंदनाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर आई। उसके घर के बिल्कुल बगल में जो घर था उसी की छत पर खड़ा लड़का सारा तमाशा देख रहा था। वो कूद कर उनकी छत पर आ गया। उसने जूही का हाथ पकड़कर उसे उठाया। मेरा नाम कार्तिक है, मैं कब से देख रहा हूँ आपके घर में नाटक हो रहा है, आप कहीं नहीं जाएगी, चलिए आप मेरे घर चलिए, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, मना मत करिएगा। जूही ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया। अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो बात और बढ़ जाएगी, मुझे यही रहने दो। मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकता, मैं अपनी एक बहन को खो चुका हूँ, उसको भी ससुराल वालों ने दहेज के लिए जला डाला था, आप नहीं जाएंगी तो मैं ही पुलिस में रिपोर्ट लिखवा कर आ जाता हूँ। तब तक शेखर ने दरवाजा खोल दिया। आप कौन है? मैं इनका भाई हूँ और इनको तकलीफ में नहीं देख सकता। जूही, तुम कमरे में जाओ, मैं बात कर रहा हूँ इनसे। जूही ने कार्तिक को इशारा किया कि बात ना बढ़ाए, जरूरत हुई तो खुद वो उसे बुला लेगी, और कमरे में चली गई। शेखर भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गया। दिखने में तो तुम पढ़ी लिखी लगती हो, आखिर तुम शादी के लिए तैयार कैसे हो गई? पढ़ी लिखी हूँ इसलिए माता पिता की परेशानी नहीं देख पाई, रूही के दहेज के लिए उन लोगों को हमारा घर भी बेचना पड़ा। रूही तो नौकरी करती है, उसको अपने ऑफिस की तरफ से घर मिल जाएगा। मैं अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थी, कहाँ रहती, इसलिए ये आइडिया मेरा ही था कि मैं ही बलि का बकरा बन जाऊं। आप मेरी जगह होते तो क्या करते? तुम काफी समझदार लगती हो, चलो हम आराम करते हैं, कल उठेंगे तब इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। थके होने के कारण दोनों को झट से नींद आ गई। शेखर सुबह उठा तो जूही अपना सारा सामान लेकर जा चुकी थी। उसने कभी पलटकर शेखर की तरफ नहीं देखा। 2 साल बाद ही शेखर के स्कूल में प्रिंसिपल मिसेस जूही की पोस्टिंग हुई। उसको देखते ही, जूही तुम यहाँ? मिस्टर शेखर, तुम नहीं आप कहिए, ज्यादा पर्सनल होने की कोशिश भी मत करिए, अब से मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ, मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग करना अच्छी तरह से आता है, सिर्फ गोरा रंग ही जीवन में सब कुछ नहीं होता है। बहुत बड़ी भूल हो गई थी उस दिन मुझसे, घर वालों को मुझे समझाना चाहिए था। शेखर उसी दिन चुपचाप रिजाइन करके घर चला आया था। किशन एक गरीब चरवाहा था, वह पहाड़ों के एक छोटे से गांव में लोगों की भेड़ बकरियां चराने जंगल में जाता था, लेकिन इधर कई महीनों से वह बहुत गरीबी में दिन गुजार रहा था, क्योंकि लोगों ने जानवर पालने ही बंद कर दिए थे। चलकर शहर में कोई नौकरी ढूंढनी होगी, यहाँ तो कोई काम मिलता नहीं है। वह शहर की तरफ नौकरी की तलाश में पैदल चल पड़ा था, हाथ में सिर्फ एक खाने की पोटली थी और एक लोटा था, जब भूख लगती तो अपनी पोटली खोलकर रोटी खा लेता। वह चलते चलते थक गया था, एक अनार के पेड़ के नीचे बैठ गया। अपनी बदकिस्मती पर
उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसुओं की कुछ बूंदे पेड़ की जड़ में जाकर गिर पड़ी। अचानक पेड़ की जड़ों से आवाज आई, अरे कोई है जो मुझे एक बूंद पानी पिला दे। किसी के घासने की आवाज आई। उसने उठकर इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। वह झट से गया और पास ही में बहने वाली नदी से पानी लेकर आया और पेड़ की जड़ों में डाल दिया। जड़ में पानी पहुंचते ही, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी सांसें लौटा दी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस पेड़ के नीचे एक गड्ढा है, उसमें कुछ अनार के बीज हैं। उन्हें अपने साथ ले जाओ और अपने आंगन में लगा दो। वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगे, लेकिन आज के बाद कभी आंसू मत गिराना। किशन ने जाकर देखा तो पेड़ के नीचे सचमुच गड्ढे में कुछ बीज थे। उसने उन्हें उठा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, पर आप कौन हैं और मुझ पर इतनी कृपा करने का क्या कारण है? मैं इसी पेड़ की जड़ों में रहता हूँ। 2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने पेड़ काटने का प्रयास किया था। उस समय से मैं बेसुध था। अभी बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए तुम्हें आवाज दी थी। ठीक है, मैं तो घर से नौकरी की तलाश में निकला था, अब तुम्हारी ही नौकरी सही। घर आकर उसने अपने आंगन के एक कोने में बीज लगा दिया। सुबह जब सोकर उठा तो वहाँ एक अनार का पेड़ उग गया था। वह बहुत खुश हुआ। ये अनार का पेड़ कैसे मेरी इच्छा पूरी कर पाएगी? तभी उसने देखा कि पेड़ की कुछ डालियों पर छोटे छोटे अनार लगे हैं। एक अनार नीचे गिरा था। उसने अनार तोड़कर देखा तो उस अनार के बीज सोने के थे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पेड़ पर चढ़कर अनार तोड़ने की सोच रहा था, तभी पेड़ से आवाज आई, किशन थोड़ा सब्र करो, जो अनार नीचे गिरेंगे वही उठाना, थोड़ा थोड़ा करके बाजार में बेच देना। हाँ, इस पेड़ की जितनी अच्छी देखभाल करोगे उतने ही ज्यादा फल तुम्हें मिलेंगे। ध्यान रखना ये बात किसी को पता ना चले। उसने पेड़ में पानी डाल दिया, फिर जाकर बाहर बैठ गया। उसी समय उसका एक पड़ोसी बांके आ गया। उसने जैसे ही उसे देखा, अरे किशन, तुम तो कल शहर कमाने गए थे, इतने जल्दी कैसे लौट आए? हाँ, गया तो था, पर रास्ते में ही कुछ तबीयत ढीली लगी तो लौट आया। अरे तबीयत खराब थी तो वैद्य जी को दिखा लिया होता। बांके चुपचाप चला गया, लेकिन सारे गांव में इस खबर का ढिंढोरा पीट दिया कि किशन वापस आ गया है। अब चलकर यहीं गांव में ही कोई काम ढूंढता हूँ। उसने जाकर उस दिन खेत में काम किया। शाम को घर आने के बाद पेड़ के पास गया तो कुछ अनार नीचे गिरे थे। जल्दी से उन्हें तोड़ा। अरे ये तो कमाल हो गया, इन अनारों में भी बीज की जगह सोना है। वह तुरंत सोना लेकर बाजार गया और उसे बेच दिया। उसको उम्मीद से अधिक पैसे मिले। अब तो वह बहुत खुश था। अब ये रोज का नियम बन गया था। धीरे धीरे उसके पास बहुत धन हो गया। अब वह कहीं काम पर नहीं जाता था। उसके रहन सहन, उसके कपड़ों में तो बदलाव ही आ गया था। अरे इस फक्कड़ की तो किस्मत ही पलट गई है। वह हमेशा इसी ताक में रहता कि किशन क्या करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके आंगन में पहले उसने एक बॉल डाल दी। इसके बाद उसे उठाने के बहाने आंगन में कूद गया। वहाँ उसने देखा कि किशन पेड़ के नीचे से अनार उठा रहा है। ये अनार के फल है ना? कुछ हमें भी दे दो, मैं भी खा के देखूं कैसा है। किशन ने चुपचाप उसे अनार दे दिया। जब बांके ने अनार तोड़ा तो वह एक साधारण अनार था। शायद यही अनार बेचकर ही ये पैसे वाला बन गया है। लेकिन फिर भी वह सोचता रहा, अनार बेचकर कोई इतना अमीर नहीं बन सकता, जरूर कुछ और राज है। वो रोज सुबह सुबह उसके आंगन में झांका करता। एक दिन उसने किशन को अनार से सोना निकालते हुए देख लिया। एक दिन रात को वह आंगन में कूद गया
और उसने जैसे ही अनार के पेड़ को हाथ लगाया, वैसे ही ऊपर से बहुत सारी पेड़ की डालियां चरमराई और उसके ऊपर गिर पड़ी। बचाओ, बचाओ! लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वो सुबह तक वहीं बेहोश पड़ा रहा। जब किशन सुबह उठकर आंगन में गया तो बांके को अचेत देखकर, अरे तुम यहाँ कैसे आए, क्या हुआ तुम्हें? अरे भाई मुझे बचा लो, पहले इस झंझट से छुटकारा दिलाओ। पता नहीं कैसे ये डालियां मेरे ऊपर गिर गई, मैं तो सिर्फ एक अनार तोड़ने आया था। अच्छा हुआ इसे उस दिन सोने के बीज वाला अनार नहीं मिला। उसने उसके ऊपर से सारी लकड़ियां हटाई और वो वहां से भाग गया। अरे बाप रे, अब तो कभी भी इसके घर की तरफ झांकूंगा भी नहीं, नहीं तो इस पेड़ ने तो आज मुझे मार ही डाला था। उसके जाने के बाद, अब मुझे भी थोड़ी जमीन खरीद लेनी चाहिए, कितने दिनों तक दूसरों के मजदूरी करूंगा। एक दिन वह पैदल ही उसी पेड़ के पास जंगल में चल दिया। आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे बहुत सारी जमीन खरीद लूं और उन पर अनार के पेड़ लगा दूं। बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी, पर एक बात का ध्यान रखना कि जितना हो सके उतना ही दान पुण्य के कर्मों में पैसे लगाना, गरीबों की मदद करना। एक हफ्ते में ही उसने जमीन खरीद ली और पूरी जमीन पर अनार के पेड़ लगवा दिए। कुछ जमीन पर एक पशुशाला भी बनवा दी। मुझे कितनी भी दौलत मिल जाए पर मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं एक चरवाहा हूँ। उसके पास बहुत सारी धन दौलत हो गई थी। एक दिन जब वह रात में सोया तो उसकी नींद खुल गई। उसने खिड़की से देखा कि एक लड़की उसके घर के बाहर बैठी रो रही है। वह तुरंत बाहर गया। कौन हो तुम और रो क्यों रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि मेरा बापू एक साल पहले ही चल बसा। मैं ऊपर वाली पहाड़ियों के उस पार रहती थी। इतना कहकर वे सिसकियां भरने लगी। अच्छा तुम रोना बंद करो, चलो अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो, सुबह चलकर तुम्हारी माँ से बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधुरी है, लेकिन अब अपने घर नहीं जाना चाहती। अच्छा चलो पहले अंदर तो चलो, कल सुबह पंचायत इस बात का फैसला करेगी। माधुरी चुपचाप उसके पीछे पीछे चली जाती है। सुबह ही किशन गांव के मुखिया के पास जाकर मुखिया जी को माधुरी के बारे में सब बताता है। ठीक है उसको लेकर आओ, मैं पंचायत बुला लेता हूँ। किशन घर जाकर, माधुरी चलो पंचायत में जाना है। दोनों वहाँ जाते हैं तो पंचायत के लोग माधुरी से, तुम अपने घर चली जाओ बेटी, तुम्हारी माँ ने गुस्से में आकर निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि मेरे बाबू की तरह वो मुझे भी मरवा कर जंगल में अनार के पेड़ के नीचे गड्ढे में ढकवा देगी। किशन अनार के पेड़ का नाम सुनते ही समझ गया कि उसी अनार के पेड़ के बारे में बात कर रही है। तुम्हारी माँ की तो पुलिस में रिपोर्ट करवानी होगी, लेकिन तब तक तुम कहाँ रहोगी? मुखिया जी अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस लड़की से शादी करके अपना घर बसा लूं। अरे वाह, इससे अच्छा क्या होगा किशन, लेकिन इसके पहले तुम्हें उसके गांव जाकर इसकी वास्तविकता जाननी होगी। जी मुखिया जी, तब तक इसको आप अपने घर में ही रख लीजिए, मैं आज ही जाकर पता लगाता हूँ। किशन माधुरी के बताए पते पर जाकर पूछताछ करता है तो सारी बातें सही निकलती हैं। अरे भाई अच्छा हुआ वो लड़की गांव छोड़कर चली गई, वरना उसकी माँ अपने हाथों से उसका गला दबा देती। किशन वापस आकर मुखिया जी से सारी बातें बताता है। ठीक है तुम शादी की तैयारी करो, कल तुम्हारा विवाह होगा और मैं स्वयं कन्यादान करूँगा। मुखिया जी बस एक जीवन साथी की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। उनका विवाह हो गया, दोनों बहुत खुश थे। किशन ने कई धर्मशालाएं, गरीबों के लिए अस्पताल और बहुत से कुएं खुदवाए। रोज सुबह वह खुद अपनी पत्नी के साथ
अपने हाथों से दान देता। अब वह किशन सेठ के नाम से मशहूर हो गया। जादुई अनार ने उसके जीवन में खुशियाँ ला दी थी।